व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू मदर ब्लॉग। सो गाइस, फिलहाल की कंडीशन ये है, पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था कि मेरा ये जो वाला पार्ट है वो गिर गया टूट के, और वो बहुत दिन से टूट के गिर ही रहा था, बार बार गिर जा रहा था मतलब निकल के, क्योंकि उसके सारे जो क्लैम्स आते लॉक के वो सारे टूट चुके थे, और वो तो होना ही था कि उसका हाईवे पर गिर गया। और मैं अभी ये पार्ट और साइड के दोनों पार्ट खरीद के लाया हूँ, और वो सेकेंड हैंड स्क्रैप मार्केट से लाया हूँ, या फिर आप उसको चोर बाज़ार भी बोल सकते हो, और ये हम लोग के लोकल से ही ख़रीदा है मैंने उसको। और आपको मैं बता देता हूँ कि इसके पुराने पार्ट्स की कंडीशन, आप देखो इसके सारे लॉक सेट टूट चुके, ये फेयर किक मार मार के चल रहा था अभी तक, और ये भी देखो ये पूरा टूट गया है, और इसका भी वही हालत है कि ये भी पूरा टूट गया है, इस पर जंग खा गया है, क्योंकि ये पीछे के पार्ट r15 का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमेशा पीछे के पार्ट टूट जाता है अगर कोई पिलियन अच्छे से नहीं बैठता है तो, और इसी वजह से मेरा ये वाला पार्ट टूट गया है। तो मैं आप लोग को भी बताता हूँ कि मैंने कौन सा पार्ट लिया है। गाइस, ये है पूरा सेट जो मैं सेकंड हैंड ख़रीदा हूँ एक स्क्रैप मार्केट से, और ये मुझे पड़ा अराउंड 1200 के आसपास, और मेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये जो पार्ट है उसका कलर मेरी बाइक के कलर से मैच हो गया, और इसके सारे जो पार्ट है और इसमें लॉक सेट का की सब कुछ सब बराबर है, और साथ में इसमें जो है वो लोगो भी है। तो मैं अभी इसको क्या करूँगा, जस्ट वो वाले पार्ट्स निकाल के सबसे पहले तो इसका लॉक सेट लगाऊंगा कि इसमें जो लॉक लगता है वो लगाऊंगा, उसके बाद इसको पूरा इंस्टॉलेशन करते हैं, और आपको मैं एक एक करके बताता हूँ किस तरीके से आप अपने बाइक में जो r15 आपके पास है तो आपका वो टूटेगा ही पक्का है, तो फिर उसको कैसे चेंज करेंगे आप। आप डिफरेंस देख ही सकते हो दोनों पार्ट्स में, देखोगे इसके चारों क्लिप्स है वो उसकी जगह पे प्रेजेंट है, और इसके जो एक दो तीसरा क्लिप गायब है और चौथा क्लिप है इसमें। और मैं फिलहाल क्या करूँगा, इसके सारे स्क्रू खोल के इसका जो लॉक सेट है इसमें डाल दूंगा, और एक और एक चीज़, और इसके भी देख सकते हो आप, यहाँ के दोनों कॉर्नर के जो जिसपे वो हुक होता है वो गायब है दोनों पे, और इसमें भी है वो हुक, इसकी भी कंडीशन बहुत अच्छी है। और ये पार्ट को तो मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके बताता हूँ आपको, तो आप देख सकते हो कि क्या मिसिंग है इसमें, ये सारे क्लैम्प्स जो है इसमें प्रेजेंट है और इसमें वो क्लैम्प सारे गायब है। तो अभी मैं इसको जल्दी से चेंज कर लेता हूँ, इसको इसका लॉक सेट पहले इसमें डाल देता हूँ, बाद में आप लोग को बताता हूँ कि मतलब उस बाइक में इंस्टॉलेशन कैसे करने का है। जैसे आप देख सकते हो पीछे का पूरा मैंने एम्प्टी कर लिया है, सीट भी दोनों निकाल लिए, तो अभी मैं इसको आराम से इसको इंस्टॉल करके बताता हूँ। तो इसको बस यहाँ से पुल कर देना है, रख के यहाँ पर जो सारे क्लैम्प्स है उसको दबा देने का है, और ये अपनी जगह पर बैठ जाएगा। तो यहाँ पे ये एक बैठ गया, अभी इसी तरीके से अपने को दूसरा भी फिट करने का है, तो अपना दूसरा इधर रखा हुआ है, तो अभी दूसरे को भी कुछ इस तरीके से फिट कर देते हैं। दोनों पैनल हो चुके हैं इंस्टॉल, अभी मैं इसको इजीली यहाँ पे इंस्टॉल कर देता हूँ, और ये कुछ इस तरीके से अंदर बैठेगा, एकदम परफेक्टली बैठ चुका है अच्छी तरीके से, और अभी ये पूरा इतना हिस्सा लग गया है, तो अभी मैं इसमें यहाँ पे जो इसका मेन लॉक सेट है वो लगा देता हूँ। तो गाइज, हो चुका है ये रेयर पैनल इंस्टॉल, और इस तरीके से कुछ इसका लुक आ रहा है, आपको एक मैं पूरा 360 व्यू दे देता हूँ इसका, और इसकी सारी जो फिटिंग्स है वो प्रॉपर आई है, और इस तरीके से कंप्लीट हो चुकी है अपनी बाइक फिर से। तो इस वीडियो को इधर ही एंड कर देते, तो अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक डू व्हाट यू लव टू डू, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।